Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم أما अल्लाह सुबहान तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, रब्बी हबली हुक्म वल हुक्म बिस सालिहीन। एक आयत है कुरान हकीम की, और ये जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो अल्लाह की बारगाह के अंदर आपने मांगी तो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, इतनी महबूब थी कि अल्लाह सुबहान ताला ने उसको कुरान के अंदर बंद करके क़यामत तक के लिए महफूज फरमा लिया। और भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआएं जो अल्लाह ने पसंद फरमाई, तो इस उम्मत पे ख़ास रहम फरमाया कि कुरान के ज़रिए वो हम तक सारी दुआएं पहुंच गई। तो उन दुआओं का एहतराम इंसान को करना चाहिए। दुआ भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान के अंदर मौजूद हैं, उसमें बड़ा अजीम पैगाम भी होता है कि भाई इस इंसान अपनी असलाह कैसे करे, उसमें क्या चीज़ मौजूद है, इस दुआ के अंदर क्या मज़मून है हकीकत में। क्योंकि कोई भी दुआ ऐसी है कोई किसी मज़मून से खाली नहीं होती, इसके अंदर कोई मज़मून मौजूद होता है। इसी तरह ये दुआ है जिसमें बहुत ज़बरदस्त मज़मून है, उसकी अहमियत आप ये देख लें कि एक तो दुआ एक उल अज़्म नबी की, खलीलुल्लाह की, और ऐसे नबी हैं कि जिनकी नस्ल से ही आखिरुल ज़मां तशरीफ़ लाए, आपके जद में है, आबा अजदाद के अंदर है, तो ये भी ख़ास हैसियत है तमाम अम्बिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इसमें इस उम्मत में भी ख़ास एक पैगाम और मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह मकसद भी मेरा इस आयत को पढ़ने का और इस पर गुफ्तगू करने का, कुछ अर्ज़ करने का यही है कि भाई सिद्क दिल के साथ जो भी बात समझ में आए, इंसान के हालत का जायज़ा ले और जो कमी अपने में हो उसको जल्द से जल्द पूरा करे। याद रखें, मौत का कुछ पता नहीं इंसान का, शैतान नफ्स हमेशा इंसान को धोखे में रखता है। हकीकत वही है जो कुरान बता रहा है, कुरान जो असली दिखा रहा है, कुरान के ज़रिए जो हमें पैगाम पहुंच रहा है, असल यही है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सुनने के बाद
फौरन से पेशतर इंसान अमल की तरफ अख्तियार कर ले, बस कामयाबी यही है, वरना इंसान फिर बहुत बहुत पछताएगा, बहुत बड़ी नाकामी होगी। देखें हमारा मकसद, पूरी कायनात में हर इंसान का मकसद, हर ईमान वाले का मकसद ये है कि अपने रब को हम पालें, अपने खालिक के हकीक़ के साथ हमारे ख़ास नस्बत और ताल्लुक हो जाए, आपकी रज़ा को हम हासिल कर लें, ये एक हमारा मकसद है। यही मकसद है ना भाई, सबको पूरे जहान का यही मकसद है। सारी इबादात जो कुछ भी हम करते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उसी एक मकसद के लिए कि भी हम अपने अल्लाह को राज़ी करें। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को रिव्यू करें, अपने आप को जांचें कि भाई हमारा यही ज़िंदगी का मकसद है या और कोई है। वाहिद यही एक मकसद है हमारा कि अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह को पालें, अल्लाह हमें मिल जाए, अल्लाह से हमारा ख़ास ताल्लुक़ होना चाहिए, एक बंदगी वाला वो ताल्लुक़ हो जाए। अगर ये हो गया तो दुनिया और आखिरत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, कोई गम ही नहीं फिर किसी किस्म ला खौफ़ुन अलैहिम वला हज़न। अल्लाह ताला कहता है कोई ना गम करो, किसी भी जगह गम ना करो, किसी मुकाम का फिक्र ना करो, किसी अजाब से मत डरो, किसी मौत से मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अल्लाह ताला कहता है तो मैं हूँ बादशाह, जब मैंने तुम्हें कबूल कर लिया तो डरते क्यों, फिक्र किस चीज़ की। तो अब इस पर हमारा जो जिंदगी क्या अल्लाह ने हमें मोहलत दी है सांसों की, इस मकसद से इसमें एंटरप्रेन्योर नहीं माननी चाहिए, आदमी को फजूल बातें नहीं करनी चाहिए कि और मकसदों को बीच में घुसा लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, ये सब गायब हो जाते हैं। असल मकसद क्या है, रोटी खाना पानी इसलिए खाते हैं कि तवानाई आए और हम इस मकसद को ज़्यादा हासिल करें, सोने का तमाम इसलिए करते हैं कि हम ज़रा फ्रेश हो जाएं और फिर हम इस मकसद के लिए और तैयार हो जाएं। ये अल्लाह ताला ने लवाजमत दी है ना, हम सारे जो नेचर दी इंसान के अंदर, उस नेचर को पूरा करें। मकसद क्या हो, इससे हम इस तवानाई से, इस सेहत से, इस खाने पीने से, इस सहूलत से, इस गाड़ी से, इस मकान से हम आराम लें, और आराम लेके जाएं किधर, अपनी मंजिल की तरफ, कि हम अल्लाह को राज़ी करें। नहीं समझ बात, कितनी भी हमें अल्लाह नेमतें दे रहा है, हर नेमत का मकसद यह है कि वो जान खाएं, खूब खाएं और माशाल्लाह वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को ठीक रखें, दवाएं खाएं बीमार हैं तो मकसद एक हो। जैसे भी यह है कि छींकें आ रही हैं कार में, फिक्र क्या हो, छींकें आए तो जल्दी क्या मेरी सेहत हो जाए तो मैं अपने कारोबार पर जाऊँ, दुकान पर जाऊँ, नहीं सी हो कि जल्दी सेहत मेरी हो जाए ताकि मैं जमात से नमाज पढ़ सकूँ, एक मकसद। ऐसी तैसी जो कुछ भी, सबसे पहले क्या, अल्लाह की नमाज इताअत। भाई रमज़ान आ रहा है, तबीयत ख़राब है यार, ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, उसके पास भी जाना है, हमने ये काम भी करना है, सबको सिक्योर कर दो। क्यों कि भाई रमज़ान आ रहा है, अब तो ये काम भी छोड़ दो, ये काम भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पेंडिंग कर दो सारा। किस लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम इसलिए छोड़ दो कि अल्लाह को हमने राज़ी करने रमज़ान आ गया। तो हर चीज़ हमारा एंड कहाँ पे हो जाके, अल्लाह पे, जो कुछ भी हो अल्लाह पे हो। सुबह उठने की ख्वाहिश ये हो कि यार सुबह उठूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह उठने के बाद पहले दिन में आदमी की ख्वाहिश हो, उठने के बाद फर्स्ट क्लास ये है कि मैं जाके अल्लाह की नमाज पढ़ूंगा और फर्ज पढ़ाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ करने का मकसद रात को ये है कि अल्लाह ताला मुझे खैर खैरियत से उठा दे ताकि मैं उठूँगा, उठने के बाद क्या करूँ, नमाज पढ़ लूँ। अब ये नहीं, अब ये बात है ना, हम दुआ करें अल्लाह जल्दी उठा देना ताकि अभी मैं उससे अपॉइंटमेंट करनी है, उससे भी काम करना है, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि सबॉर्डिनेट चीज़ है, आप ना मांगे मांगे ना मांगे, वो तो एक सिस्टम अल्लाह ने दिया है, वो चलता रहना है। हकीकत जो मांगने वाली चीज़ वो तो ये है, ये तो ये चीज़ है सिर्फ मांगने वाली है। तो ये ज़ाया हो गया सुबह का मामला, सब ज़ाया हो गया, पूरा दिन ज़ाया हो गया। तो एक मिसाल दी है चंद मैंने कि हमारी ज़िंदगी का महवर जो घूमता है किस पर, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह के बंदे बन जाए, बस अल्लाह क्या ठीक है, यानी अल्लाह खुद कहते हैं मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, कोई मुश्किल यही कहलवाना है हमने अल्लाह से, अल्लाह सुबहान तआला से ये हमने कहलवाना है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जब तक अल्लाह पाक ये नहीं ना कहेगा, बच्चा समझ लो बेकार है सब कुछ, तो मेरी बात
जब तक अल्लाह बाग ये ना कह दे कि मैं फलां तुझसे मोहब्बत करता हूं, एक एक इंसान के कान में आवाज आनी चाहिए, तब तो समझो वो कामयाब हो गया। लगता है मुश्किल है, लेकिन है मकसदी हमारा, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब किसी का मकसद कुछ पाना, जैसे आ मैं खड़ा हूं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, वो बहुत फास्ट एड ट्रॉ चला है, बेहतरीन ये वो कर रहा है, बड़ा मुश्किल काम यार, इतनी स्पीड से जा रहा है, मुझे नहीं ना आती, ये तो भाई हम नहीं कर सकते, ये तो बोला। और जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, ये लिया, फलां लिया, फिर मुझे मुश्किल लगा, इसी तरह मैं चला फर्स्ट क्लास, उससे ज़्यादा स्पीड मार रहा हूँ, समझा की बात। तो जब तक आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें कोशिश नहीं करता, वो क्या चीज़ होती है इंसान के लिए, मुश्किल। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत पर यह स्टेज करना कि अल्लाह हमसे खुद कह देगा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुश्किल लग रहा है कि हमने बड़े ही नहीं आगे, उनसे पूछो जो बढ़ चुके हैं और जिन्होंने आवाजें सुन ली अल्लाह की, वो गवाही देंगे आपको, गवाही देंगे। तो ये तो बिल्कुल छोड़ दे आदमी की, मुश्किल जॉब है। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी में जितने जॉब हम करते हैं ना, कसम खा कहता हूँ इससे आसान काम ही कोई नहीं है कि अल्लाह को राजी बंदा कर ले। नहीं समझे, डर तो निकल गया ना सारा, अब किस तरह करें अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले कहा कि जो मजलिसें होती हैं ना हमारी, ये सुनने के लिए और किस चीज़ के लिए होती हैं, यहाँ तक समझ गया बात, पक्की बात है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि भी अमल करना है, नहीं करेंगे आपकी मर्जी, लेकिन जिंदगी बन जाएगी इन बातों पे अमल कर लिएगा, समझ ना बात। अच्छा जी, अब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह कह दे कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या करें, क्वेश्चन क्या करें, ये तो क्या करें, दख्त पे लटक जाए, छलांगे मारें, मस्जिद में चिपक जाएं, जिक्र शुरू कर दें, कुरान की तलावतें कर दें, हज पे हज करें, अल्लाह किस तरह तुझे राजी करें, ये बात है ना। इतनी बड़ी ताकत को राजी करना कोई मामूली बात है, बंदा नहीं राजी होता, बंदा नाराज हो जाए तो वो राजी नहीं होता, उसको सोचना पड़ता है यार किस तरह राजी करें, क्या गिफ्ट दें इसको, यार क्या मिजाज की बात करें इसको, हंस पड़े एकदम, मुस्कुरा पड़े यार, बस सीने से लग जाए यार, झगड़ा खत्म हो जाए, सोचते ना आदमी। तो वो रब है, वो तो खालिक है, उससे हमने ये कहलवाना है कि मैं तुझसे आसिफ फारूक की मोहब्बत करता हूं, तब तक हमने काम नहीं, हमारा काम ही नहीं पूरा हो, नहीं समझ बात। टैक्सी चला रहा हूं, वहां आवाज आ जाए आपके कान में, बंदा तू टैक्सी चला रहा, मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूं, लगेगी ना एक्सीडेंट फौरन हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करेगा एक्सीडेंट हो जाए जो मैं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं आपको, यार सुन ले गौर से। आप क्या करें, क्वेश्चन तो यार इतनी बड़ी हस्ती को करना, तो भाई उसके लिए एक अमल कर लें, एक बस सिर्फ वो अमल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह बस काम बन गया। इसी से बनता है सारा काम, सब ना नमाज से बनेगा, ना रोजे से बनेगा, ना हज से बनेगा, सारे भी उनमें भी इसी बात से नूर आएगा। मैं जब अल्लाह कबूल करे, कहते हैं अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, कहते हैं ना, तो इसका मतलब है जब तक कबूल नहीं होती नमाज कुछ भी नहीं, इबादत कुछ भी नहीं, रोजे आज कुछ भी नहीं, वो उसके बगैर कबूल नहीं होता जो अमल मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आज बताऊँ या कल, आज ही सुन लें। चलो वो अमल जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, थोड़ा सादा अमल है, वो क्या है, मोहब्बत। क्या है मोहब्बत, मोहब्बत को खींचती है, याद रखना। हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, मोहब्बत, तो कौन सा अमल करें मुझे बोलो, सीधी बात, बस खुल गया रात सारा, किससे मिलेगा अल्लाह, मोहब्बत से, ना नमाज से मिलेगा, ना हज से मिलेगा, ना सिजदों से मिलेगा, क्यों, मोहब्बत हो होगी तो ये सब कुछ कबूल होंगे ना, ये नहीं होंगे, बात तो यही है, हमारे तो यही है, क्या चाहिए हमें सिर्फ, अब ऊंचा बोलो, क्यों, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है वो क्या है फिर, मुनाफिक, रियाकार, ऑफकोर्स दो ही चीजें हैं ना, या रात या अंधेरा, या तो मोहब्बत होगी या अबू जहल होगा, मोहब्बत होगी तो सदीक होगा, उमर होगा, अली होगा, उस्मान होगा, अबू तलहा होगा, यानी मसअब बिन हमार होगा, ये लोग होंगे, जो
नफाक रखेगा, मुनाफ़क़त रखेगा, वो क्या होगा? अबू जहल होगा, इब्न खल्फ होगा, सब होंगे। इससे आगे बड़ा दुनिया की मिसालें दी, फिरौन होगा, नमरूद होगा, हमान होगा, ये सब होते जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं रखते थे, और जिन्होंने मोहब्बत कर ली वो ये बन गए। अब कितनी बड़ी बात है, तेरे और मेरे दिल में मोहब्बत है, क्वेश्चंस। मैंने कहा ना, सोचनी हर बात को, अंधेरे में नहीं रखता मैं किसी इंसान को, ना मैं खुद में अंधेरे में रहता हूँ, रोशनी में रहूँ, रोशनी में बंधन ना बनो। क्योंकि जब मौत का झटका पड़ता है ना, फिर सारी लाइट नजर आना शुरू हो जाती है इंसान को। आज ही सोच लो, मोहब्बत है, अल्लाह ताला आजमा भी लेता है, बोला नबुल वन्ना कुम बिशाय मिनल खौफ, हर चीज मोहब्बत को आजमाया जाता है। बात रख लेने में, मोहब्बत जो है दवा मारता है ना आदमी मोहब्बत का, तो वो आजमाया जरूर जाता है। अब हमारे मोहब्बत है, अगर मोहब्बत नहीं तो फिर क्या होगा? नफाक, मुनाफकत, रिया, तो हम कहां जाएंगे? समझ आ गई बात है ना? दो तो हो ही नहीं सकी बात, या होगी मोहब्बत या होगा। जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, मुनाफिक, कई मुनाफिक पढ़ते थे नमाज तो, अब मुझे भी तो खाना काबू में खड़ा होता था। हम मदीने रहते, मदीने तो सारे रहते थे, जैसे कुफार वहीं थे, हम तो मदीने के रहने वाले, हम सब वहीं थे, वहीं रहते, कुफार भी मारते थे, हज करते थे, तवाफ करते थे, कुरान बताते थे ना भी। ये क्या मियार हुआ? लगा ये मियार नहीं, असल मोहब्बत जिसको अल्लाह ताला कहते हैं मोहब्बत हमारे दिल में है, लेनी है फिर। अब पहले सवाल तो पता लग गया कि अल्लाह किससे मिलेगा हमें? अगर मोहब्बत होगी तो अल्लाह मिलेगा, अगर मोहब्बत नहीं तो अल्लाह, अल्लाह अब तू ही बता कि तूने मिलना है मोहब्बत से, ठीक है ना? अब तेरी मोहब्बत कैसे हासिल कर? सुभान अल्लाह, जहर है कोई इबादत बता हमें, इस मोहब्बत को तो कहते रहे कैसे हासिल करें, वही तो तरीका बता हमें कि तू क्या उठे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसका कौन सा रास्ता है कोई रास्ता में बता, ताकि हम जल्दी इस पर अमल शुरू करें, अगर पता चल जाए करेंगे इंशाल्लाह। है जी, अल्लाह की मोहब्बत तो पानी पानी है ना जी। अल्लाह कह रहे भाई तुम्हें एक महीना भूखा रहना है, रहते या नहीं रहते, है ना? पूरा महीना गुजारा, जैसे जून में आए तब भी भूखे रहते हैं, भाई आज करके आओ, लाखों आदमी जा रहे हैं, आज करना जा रहे हैं, पैसे उधार ले जो हुक्म। तो अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत पाना है तो तुम्हें मैं बताता हूँ तरीका, तुम मेरी मोहब्बत को पालोगे। कोशिश के बगैर तो चीज मिली आजकल, तो कुछ तो करनी पड़ेगी। वो क्या? अल्लाह ताला कहता वो भी मोहब्बत, सुभान अल्लाह, वो क्या है? मोहब्बत। मेरी मोहब्बत के लिए भी तुम्हें मोहब्बत चाहिए, या अल्लाह वो कौन सी मोहब्बत? मेरे हबीबी की मोहब्बत, जिसके लिए कायनात को सजाया, फख्र मौजूदात है, अंबियों का सरदार है, जन्नतों का मालिक है, हौज़े कौसर का मालिक है, पुरस्कार पे गुजारने वाला है, मुकाम महमूद पे आने वाला है, शिफात का ताज के सर पे पड़ने वाला है या नहीं? कौन से तारुफ नहीं रखता? दुनिया नहीं थी तब भी मुतारिफ थे, सारी दुनिया जानती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो खता माफ की वो भी उनके जरिए से माफ की गई, वो तो ऐसा है। हमें तो है जी मत क्यों, ये हमारा जुलूस बहुत लंबा होता है जी, मैं जब रात पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर वही बात। अब वही असूल चले आगे जो अल्लाह के साथ था, अल्लाह ताला से मोहब्बत है, मोहब्बत है, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा आदमी? नफाक, मुनाफकत, यही है ना। अब अल्लाह ताला कहता है कि मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हें किसकी मोहब्बत चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहिए। तो क्या हमें उनसे मोहब्बत है? सोचने की बात है, अगर मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है? नफीक है, नफाक बकवास करते हैं, सब कुछ ढंगला मारते रहो, सब बकवास है, कोई मोहब्बत नहीं है। उस मोहब्बत को भी अल्लाह आजमाता है, तो वो मोहब्बत चाहिए कि अल्लाह हमें आजमाए, हम पूरा उतरे उस मोहब्बत में, वरना नफाक है, बकवास कर रहे हैं, भाग जाते हैं। समझ आ रही यहां तक बात? यानी क्या, अल्लाह की सच्ची मोहब्बत है, उसको सच्ची मोहब्बत नहीं है, सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत किसकी है? अल्लाह की हबीब की मोहब्बत चाहिए। तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की हबीब की मोहब्बत हमारे सीने में है, तो उसको फिर हासिल करने के लिए क्या चाहिए, है ना? उसको कैसे हासिल करें?
कोशिश करनी चाहिए भाई, हम तो लगता है हमें नहीं है नई पंख से मोहब्बत, डमाबाज लोग हैं हम तो, वरना ये हाल हमारा ना होता, आज उम्मत का ये हाल ना होता, सब ड्रामा है। 10 लाख हाजी आते हैं, देखो तमाशे क्या होता है आज भाई, मस्जिद में बड़े होती है क्या तमाशे होते हैं, क्या क्या हाल करते हैं, नहीं बैठे हम तो, सब बंदर बैठे हैं। तो भाई इसके मतलब मोहब्बत नहीं है नबी पाक से, तो या अल्लाह हमें तो लगता है ये माँ भी नहीं थी, आपने जो रास्ता अगला बताया वहाँ भी कमज़ोर हैं, या अल्लाह को बता हमें कि तेरे हबीब से मोहब्बत हो जाए, कि वो कैसे होगी, कहता वो भी मोहब्बत, सुभान अल्लाह, वो क्या है, वो भी मोहब्बत से होगी, अल्लाह वो कौन सी मोहब्बत है जिससे अल्लाह के हबीब की मोहब्बत हो जाए, और अल्लाह की हबीब से मोहब्बत से तेरी मोहब्बत हो जाए, हम हासिल करेंगे, वो कौन सी मोहब्बत है, कहता हाँ वो बता देते हैं, कौन सी है, कि मेरे हबीब की सुन्नतों से मोहब्बत, सही चल रहा सीक्वेंस, भूलना नहीं है, एक आयत मैंने पढ़ी थी सुबह, सुबह इससे पहले जो पढ़ी थी याद है वो आयत, मैंने बताया काली साहब बैठे हाफिज बैठे मुझे बता दे, भूलना नहीं, मगर मैं भूल रहा था, ठीक है ना, हाँ जी असल तो आएंगे कुरान पे आएंगे ना, पहले तो अब क्या हुआ जनाब, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है हमारे में तो किससे मिलेगी, नबी पाक की मोहब्बत से, नबी पाक में मोहब्बत हमारे में नहीं है तो किससे मिलेगी, सुन्नतों पर अमल करने से, सुन्नतों पर अमल जो करता है, अल्लाह के हबीब कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जब अल्लाह का महबूब कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह कहता है मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह कहते हैं इसे मोहब्बत करता हूं तो सारी दुनिया कहती हम भी इसे मोहब्बत करते हैं, वो आदमी जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा, एक मिनट होगी ना मोहब्बत, अभी तक तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रहा, आज से शुरू कर देनी चाहिए, मैं अब किसी की मोहब्बत चाहिए हमें काम बनाने के लिए, एंड में किसकी मोहब्बत चाहिए जो काम बनेगा, सबक याद कर रहे, किसकी मोहब्बत चाहिए है, सुनना तुम ये चल रहे ना, बोल लो नहीं यार, बोलना नहीं, किसकी मोहब्बत चाहिए, सुन्नत को होगी तो किसकी मोहब्बत मिलेगी, नबी पाक नबी पाक मोहब्बत मिलेगी, किसकी मिलेगी, काम बन गया, आप सुन्नत की मोहब्बत चाहिए, आप करो मुझे है, सुबह शाम तक कितनी सुन्नतों पे अमल किया, सही चलता जूता कैसे पहना, खाना कैसे खाए, झूठ कितना छोड़ा, हरामकारी कितनी की, आंखों की हिफाजत की, यानी ये लिबास का नाम सुन्नत नहीं है, सुन्नत दीन का नाम है, किसका नाम है, अभी मैं आयत की भी बता दूंगा, दीन पूरा जो दीन है, नमाज रोजा हज ज़कात अख़लाक सब का नाम क्या है, सुन्नत है, सुन्नत कहते हैं कि जो नबी पाक ने किया हो, सारा दीन आपने किया जो हम तक पहुंचे, ये नहीं आपने सच बोला हम भी सच बोल रहे हैं, आपने नमाज पढ़ी हमने नमाज पढ़ी, आपने हज किया हमने हज किया, आपने कारोबार सच किया हमने भी कारोबार सच किया, आपने दुनिया को छोड़ा हमने भी दुनिया को छोड़ा, या पूरा दीन क्या है, नबी पाक जरिए से है ना, सब सुन्नत है, तो पूरे दीन का अगर नाम हम लेंगे तो हम क्या कहेंगे, तरीके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा दीन है ना, सच बात, अच्छा अब सच्चे बताओ सुन्नत से मोहब्बत है हमें, सुन्नत के मुताबिक सुन्नत से मोहब्बत मुताबिक आपने सुबह से मैंने आपकी मैम है सुबह से लेके शाम तक मेरी जिंदगी पूरी तरीके नबी पाक में गुजरी हो, कि पूरा सुबह से लेके अब तक मस्जिद में आने तक हमारी जिंदगी पूरी सुन्नत के तरीके पर थी, इसका नाम दीन है, अगर ये नहीं ये थी वो नहीं थी तो वो क्या हो गया, मुनाफिक, देखो सीधा दीन है बिल्कुल, हम कहां से चौधरी बने फिर रहे हैं, हाजी ये फ्राम अपने आप ने क्या समझा हमने, बड़ा कि जी हमारे ये काम नहीं हो रहा, हमारी ये दुआ नहीं हो रही, खुदा की कसम आदमी हो आज के रसूल ससल, मैं कहता हूं होंठ हिले और दुआ कबूल हो, सवाल भाई ऐसी ऐसी मिसाल है जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता आदमी, आप भूखे वाला फरिश्ते आपको नौक करके आपको खाना पहुंचाएं कि ये तुम भूखे अल्लाह ताला की तरफ से खाना है, मिसाल है, बड़ी ताकत है ईमान की, हमने तो ये दीन को ऐसा तमाशा बना लिया ना, बहुत ज्यादा घंटे बस हमसे आप सुन लें जितनी दुआएं सुननी है, बिजली बंद करके भी छोड़ के भी, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी और अरबी में भी और जो लहनों से भी, हर एक ही द्वारा बनाते ना फिर दुनिया हसना फिर आखिरत हसना कना अज़ाब अन्नार, यही कबूल हो जाए इंसान की दुआ, बाकी कुछ बचता है, मानना पड़ेगा हमें नबी सुनत से मोहब्बत,
ये भी चाहिए, फिर मोहब्बत चाहिए नहीं चाहिए, झूठे ये तो ठीक है शक्ल बनारी डाट, वो तो दुनिया को देखा, ये तो फक्कर लियाकार, इस शक्ल के साथ जो हम हाल करते हैं ना अल्लाह ही माफ करे, जो जो हाल होता है ना हमारे दीन का खच्चर निकलता है ना, इसका कोई तस्वीर ही नहीं कर सकता। तब लिखा जा रहा है फरिश्तों, तभी तो मैं कह रहा हूँ मौत का कुछ पता नहीं, गौर से सुनना मेरी बातों को, और इंसान वही होगा जो सब चेंज होकर निकले यहां से, हक अदा किया सर। अब सीक्वेंस चल रहा है, क्या कहा था पहले मैंने, अल्लाह की मोहब्बत किससे मिलेगी, नबी की मोहब्बत से, आपकी मोहब्बत किससे मिलेगी, सुन्नत की मोहब्बत है, अब सुन्नत की मोहब्बत कहाँ से लाए क्वेश्चन, यला फिर हम डर गया, हम फिर कहाँ जाए, अब सुन्नत की मोहब्बत हमारे में नहीं है, वो हम कहाँ से लाए, है या नहीं बात, मिलनी तो है। ये आखिरी डंडा हो सुभान अल्लाह, ये आखिरी नुकता आ रहा है, याद रखो बस, सुन्नत की मोहब्बत जहां से मिलेगी काम बन गया खत्म, तो ये आखिरी अगर समझ जाए ना पॉइंट, हम ये दुआ का पॉइंट ये ही बता रहा हूं आपको, यही दुआ है जो मैं आपको सुनाई है, देखें इस पे अगर हम जम जाए, यहां से शुरू कर दें काम, पक्का काम बने, कहां से आएगी सुन्नत की मोहब्बत, अल्लाह ताला के, मैं बताता हूं रास्ता किससे, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, वही मोहब्बत, अब किसकी मोहब्बत बाकी रह गई है, तेरे नबी से मोहब्बत कर ली हमने, अब कौन सी ऐसी चीज है, कहता हाँ उनसे मोहब्बत करो जो मेरे नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करता है, वो कौन है, औली अल्लाह है, अल्लाह वाले लोग हैं, ये ड्रामा है, किसी अल्लाह वाले के पास जाना, मुझे बताए, ये ड्रामा है, हमने उसको ड्रामा समझा, कितनी बड़ी पकड़ होगी इसके आप अंदाजा लगता है, पूरा दीन कहां से मिलता है भाइयों, ऊंचा बोलो, इसे अल्लाह वाले के पास से मिलता है, अल्लाह वाले के पास जाएंगे आप, उसकी मोहब्बत करेंगे, समझ आएगी, उसकी मोहब्बत में बैठ होती ही मोहब्बत उसके सीने में आती है, आप क्या आ जाएगा, सुन्नतों से मोहब्बत आएगी सबसे पहले, उठा के देख मेरे हजरत का पहले से लेके 36-40 खत हैं, हर खत में फर्स्ट से लेके एंड तक यही मोहब्बत जिंदगी में पैदा करी, सो बस यही मिला मुझे, वल्लाही कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि नबी पाक ने आशिक बना दिया, सुभान अल्लाह, सुन्नतों का आशिक, पहली चीज मिलती है जिससे अल्लाह मिलता है, क्या मिलता है, नबी पाक का पूरा तरीका और सुन्नत वहां से नसीब हो जाती है, इंसान को आंख खुल जाती है कि सब ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मिलता है कहां से, अल्लाह वाले जब उसके सोबत में बैठा, क्या मिला, सुन्नत रसूल डेफिनेटली 100% वो दरवाजे में रखा पाक अल्लाह पाक ने वो रखा, सबसे पहले चीज जो मिलती है किसी इंसान को अल्लाह वाले के पास जाने के पास, क्या मिलता है, सुन्नत रसूल, मिला या नहीं मिला, ये बड़ा खराब है, ये तो बड़ा वो है, जब किसी अल्लाह वाले के पास सब करेंगे तो बड़ा अच्छा हो गया यार, आपकी सोबत में होता ही नहीं होता, हक बात है कुरान की, ये नहीं बात, कुरान हक, अल्लाह का फरमान हक है, तो पता क्या चला, अल्लाह को पाने के लिए कहां से पहुंचना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ना पड़ता है, तेरा हाथ जो आया हाथ में तो चिराग राह के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिल है कि हवा के रुख भी बदल गए, ये बहुत तजर्बेकार लोगों ने कहा है, शेख सादी क्या कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात की है, खिलाफ पैम्बर किसे रागुजीत कि हरगिज ना मंजिल हरगिज ना मंजिल बखायद सी, कि कौन कहता है ये बेवकूफ, शेख सादी कह रहे हैं, कितने अथॉरिटी है मुझे बताएं आपको, तस्वुक बहुत बड़ी अथॉरिटी, कहते ये कौन कहता है ऐसी बात कि अल्लाह मिल गया, कभी ये मुमकिन है कि नबी पाक की सुन्नत के बगैर अल्लाह मिल जाए, खिलाफ पैम्बर किसे रागुजीत, कौन ये दावा कर सकता है इस चीज का, वो जाहिल है जो दावा करता है, वो सही मोमिन ही नहीं है वो आदमी, वो तो जादूगर है, वो करिश्मे दिखा रहा है, करामतें दिखा रहा है, और कई किस्म के करामात होते हैं, जादू कई किस्म के होते हैं, लफाजी के होते हैं, तकरीरों के होते हैं, बातों के होते हैं, कई ड्रामे होते हैं जिससे आदमी को खींच लेते हैं वो गलत रास्तों पर, सुन्नत से निकाल के वो दूसरे रास्तों पर इंसान को डाल देता है, खुश नजर आएगा आपको ये रास्ता,
याद रखें, जहां आप रास्ता खुश नजर आए, जहां ना मजलिस है ना बातें हैं ना ये दो गप्पे हैं ना ये चीजें कहीं, वहां तो सब खुश की नजर आएगी आपको, जिसको मतलब खुश सिर्फ अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात, शरा और सुनत स्टेट हराम हलाल का रास्ता खुलता नजर आ जाएगा। तकल्लुफातवानी मंजिल पता चलेगी साफ किसी अल्लाह वाले को। अब एक पॉइंट रह गया, अब हम आयत की तरफ चलते थे, इस पे अल्लाह का नबी जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, दुआ क्या की थी, रब्बे हबली हिकमन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, ये आयत पढ़ी थी मैंने, वो कारी मौलाना यासीन साहब बैठे यही थी। आप देखिए क्या कह रहे हैं कुरान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे क्या हुक्म दे, हुक्म हुक्म क्या है, हुक्म क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, ये मैंने किया, ये मुफस्सिरीन ने बात की हुई है, या इसको और मफ़हूम करें, अतीउल्लाह व अती रसूल का नाम हुक्म है, इल्म अमल के साथ अल्लाह मुझे अता फरमा, हुक्म कुरान का चलता हो और इताअत नबी पाक की होती है, इसका नाम हुक्म है हिकमत। तो अल्लाह के नबी क्या मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे तू ये अता फरमा, ये दीन अता फरमा, कौन सा, अतीउल्लाह और अती रसूल वाला, कि हुक्म कुरान का चलता जाए और मैं नबी पाक की इत्तबा करता जाऊं। और फिर क्या फरमाया, बोल हक नहीं बिस्साल ही, फरमाया कैसे मिलेगा, सुबहानअल्लाह, कुरान कहता है बिलहक बिस्साल ही, तो वो कैसे मिलेगा, फरमाया वो मुझे अता फरमा, वो क्या चीज है कि दीन और दुनिया के अंदर तू मुझे नेक इंसान के सोहबत नसीब फरमाते हैं, कह रहा है कुरान नहीं कह रहा, तो मौलाना यासीन चाहिए ना कुरान, किस तरह रास्ता बताया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करके, कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के दीन सच्चा लेना चाहते हो तो कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, अल्लाह वाले के पास, शाबाश, बिलहक के साल ही दुनिया और आखिरत में, कुरान ये इसी आयत को मैं फिर आगे तर्जमा करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, पूरा कुरान तो मुझे याद नहीं, बस हाफिज नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कहीं कहीं से आयत पढ़ के समझाता हूँ, जब होंगे ना आखिरत का वक्त, ये कुरान बता रहा है, तो कुरान है आगे, जहन्नुम में जाएंगे और जनाब आला जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो वहाँ वो चीखेंगे, आवाज़ निकलेगा, जुनूद इब्लीस, ये आयत में जमा होंगे सारे, जुनूद कहते हैं फौजें जमा हो जाएंगे सारे, जितने पार्टी होंगे ना मुनाफिकीन के रियाकार मुझे बहुत बने थे, वो जमा होंगे चीखेंगे कहीं ये अल्लाह हम तो मर गए लुट गए, वो हमें बचाओ, तुम तो कहते थे कि हम सच हैं, तुम तो कहते थे हम सच हैं हमारे पीछे लोगो, और हम तो जो इबादत भी करते भी थे तो वो तुम्हारे तुमसे शिर्क करते हुए करते थे, ये बहुत जबरदस्त बात है, इबादत हम करते थे लेकिन तुम्हें शरीक करते थे उस इबादत के अंदर, जिक्र तो हम करते थे लेकिन क्या मामलात अल्लाह का नहीं होता था बल्कि शिर्क होता था उसके अंदर, तो बहुत चीजें शरीक हो जाती थी उनके, तो बड़े लालच आ जाते थे उसमें, हमारे तो कोई चीज असल थी नहीं, तुमने हमारे नफ्स और शैतान ने तो हमें ऐसा जकड़ लिया था कि कोई इबादत भी हमारी खालिस नहीं थी, ये कुरान बता रहे हैं, ये कुरान है ना, ये नहीं पूरा कुरान, तो अब वो कहां गए लोग हमें बताएं किधर चले गए, भी आओ में बख्शाओ, तुम तो कहते थे सब कुछ होगा, उधर से जवाब एक शैतान के पागल हो गया तुम, तो अपनी फिक्र को हमसे क्या बात करते हो, तो वहां एक फिक्रा कहेंगे कुरान के अंदर, हम ही होंगे फिक्रा एक कहेंगे कि या अल्लाह हम तो देख रहे हैं कि यहां कोई तेरा कोई ऐसा बंदा भी नहीं, तेरा कोई नेक बंदा भी नहीं जो हमें नफा पहुंचा सके और हमें बढ़ के शिफात कर सके, एक तमन्ना हमारी पूरी कर दे कि हम दुनिया में जाएं और किसी साले और नेक इंसान की सुबह अख्तियार करें, ताकि आज जब हम आए तो हमें नाफा भी पहुंचाए यहां पर और हमारी शिफात भी तुझसे कर, दीन और दुनिया में बुलाई, एक खत में हजरत लिखा था सुभान अल्लाह कि किसी अल्लाह वाले को हाथ पकड़ने से दुनिया और आखिरत संवर जाते हैं, ये कुरान है, गलत बात नहीं करते अल्लाह वाले, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा अस्तगफर मैं अल्लाह तो हूं नहीं, लेकिन आप मुझसे निस्बत रखते हैं कि मैं अपनी तरफ आपको बुला रहा हूं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये तो वो दीन बता रहा हूं आपको, समझ आ गई बात, कितना इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाना, और जो चला गया खाली रह सकता है, कभी नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा है उसको,
क्योंकि कुरान ने ये रास्ता बताया है उसी तक पहुंचने के लिए। आखिर में भी वही नारा पड़ेंगे, सिफारिश होगी अल्लाह वाले नेक इंसान, बताया ना कि आज हमारे पास कोई नेक हमारे इंसान से ताल्लुक होता तो वो भी हमें आज नफा देता, हमारी सिफारिश करता। हदीस है इस तरह अल्लाह की इज्जत से अल्लाह वाले लोग ऐसी सिफारिश करेंगे, या अल्लाह ताला इस शख्स ने तो मुझे पानी पिलाया था, इसकी बख्शिश फरमा दें। अल्लाह कहे जाओ इसको भी बख्श दिया, या अल्लाह इसने इतनी सी खिदमत, एक एक खिदमत का सला दिया जाएगा। अल्लाह की कसम करता हूँ आपको, अल्लाह वाला इतनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह वाले। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की हदीस सुना था, पूछा इब्ने अब्बास रज़ी सुना नबी पाक से, या अल्लाह इतना अहम हो गया अल्लाह वाला। अब यह साहबी पूछ रहे हैं नबी पाक से, ये तो इतना अहम हो गया, बीच में सारा मामला यहां से चल रहा है, तो ये तो एक सेंट्रल पॉइंट है, तो हमें अल्लाह के वास्ते ये बताएं तो हम कैसे पहचानूं अल्लाह वालों को, ऐसा ना अल्लाह नहीं मिलते हम। असल चीज तो यही है, हम उस तक कैसे पहुंचे, हम कैसे समझेंगे अल्लाह वाला, ताकि हम शुरू करें अपने दीन का मामला। तो हाँ उनकी निशानी, क्योंकि बहुत क्यामत के नजदीक तो बड़ा चक्र हो जाएगा, हर ऊंचे ऊंचे इमाम वाले और रंग कपड़े पहनने वाले सब अपने दावे होंगे। तो एक चीज बताई बड़ी खूबसूरत, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि देखो याद रखना, जब उसके पास पास जाओ या उसके करीब जाओ या उसके महफिल में जाओ, तो सबसे पहले उसको देख के तुम्हें अल्लाह याद आए। मार दौलत पैसा नहीं, जरूरत ना हो कि तुम दुनिया की उसके सामने बात करो, पेशाब निकले तुम्हारा दुनिया की बात करते उसके सामने, भागो जिस तरह भागता ना शैतान, इस तरह उसके नजदीक भी ना हो दुनिया के मामलों के अंदर। समझ जाओ कि यहां दाल नहीं गिरेगी, यहां तो जूते ही पड़ेगा, हर तरीके से चक्कर चल ही नहीं सकता, हर मजलिस में पड़ेगा, हर महफिल में पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा, कोई तख्शीश किसी की नहीं होगी, बहुत ही सही मजलिस राइट, कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं, जिसने ताल्लुक रखा तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, जब तक सही है या छोड़ेगा या सही होगा दो काम बनेंगे, या तो रद्द कर दिया जाएगा उस मजलिस, या इंसान बनेगा वहां रह नहीं सकता, मुनाफिक बन के कोई किसी, क्यों चलते रहे मुनाफिक, चलते रहे नबी मुहम्मद, आखिर क्या हुआ, क्या हुआ फिर अल्लाह ने क्या, भाई बस खत्म हुआ हमारा, इनको उठा बाहर निकाल दे। नबी मुहम्मद नहीं कह रहे थे क्या, अल्लाह ने कहा कि फलां फलां सब मुनाफिक हैं छुट्टी कर, अल्लाह की मस्जिद से अल्लाह, ये कोई सच्चा दीन जहां होगा वहां दो बातें नहीं चल सकती, चल ही नहीं सकती। गौर से सुने बात, क्या क्या जी, पहले क्या बताया, वहां क्या नजर आएगा अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह याद आएगा उसके पास। नंबर दो, जब वो गुफ्तगू करेगा तो जाहिल से जाहिल आदमी भी आएगा, उसके इल्म में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। माहिर जाने के किस्से नहीं होंगे, गाने बजाने नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज वहां होगा, कुरान और हदीस होगा, और दर्द होगा आदमी के, पसीने छूटेंगे सुन के बातें, हक निकलता नजर आएगा, कौन ये देखा जाएगा कौन है क्या है, किसी की कोई तमीज नहीं, कोई बड़े से बड़ा हो छोटे, सीधी बात होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान की। अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं, ऐसे हर साहब की महफिल में आते, बड़े बड़े मुफ्तियान, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पसीने छूट रहे होते थे, कसम खुदा की बता रहा हूं, जरूरत क्या बात कर रहे हैं। नंबर दो, इल्म में क्या होता है इंसान के, इजाफा होता है। नंबर तीन, उसके इल्म से, उस आदमी के इल्म से क्या होता है, आखिरत के अंदर आखिरत याद आना शुरू हो जाती है उसको, फिक्र आखिरत पैदा होना शुरू, अंदर टपकना शुरू होता है उसकी। तो कितनी बड़ी बात है कि दुनिया के अंदर आखिरत सब उसके अंदर डूबना शुरू हो जाए। फरमाए तीन सिफतें होंगी इस इंसान के अंदर, तीन सिफतें होंगी, तीन सिफतों के बाद क्या होगा, अगर इंसान वहां बैठा अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह वाला मिलता है किसे मोहब्बत। एक और हदीस सुना रहा था, सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं, पहले कुरान सुन लिया ना आपने, बांध कहीं वहीं से कहां बनता। एक शख्स था सफर कर रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा, अल्लाह ने फिश्ता भेज दिया कि पूछ से किधर जा रहा है, ये मुस्लिम की हदीस है। उसने कहा फिश्ता आ गया, कहता भाई किधर चला, कहता ये फलां गांव में, किससे मिलने जा रहा है, कि जी फलां एक बड़े अच्छे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग हैं, उनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, पसंद आ गया तो ताल्लुक रखूँगा इंशाल्लाह, तो मेरा दिल करे हो जाऊँ, मिलो हजारों हजारों मील सफर करते थे इस काम के लिए लोग, दोस्तों थोड़ा बहुत तो मैंने भी किया है, हजारों हजारों मील की
जिंदगी लगाई हैं, अल्लाह की कसम जिंदगी लगाई हैं। क्यों? कि पता है कि यहां से अल्लाह का रास्ता यही है। हमने तो खेल तमाशा बनाया है, पता है कि अल्लाह का रास्ता है ही, यहां से बिगड़ गया तो एंड भी बिगड़ गया, एंड भी बिगड़ गया। पहली सीढ़ी है, अगर पहली सीढ़ी पर इंसान फिसल गया तो आगे कैसे जाएगा? और मौत तो है ना। तो कांपते रोते हमने तो मजलिसों में देखा है अल्लाह वालों की खुदा की किस्म, कि ऐसे ऐसी हालत में बड़े बड़े लोग, मौलाना तकी साहब, इनका हाल आप तो अब भी हाल बिगड़ होते इतने सबके, मुफ्ती तकी साहब, उनके रफीउद्दीन साहब, कितने बड़े आदमी हैं, हजरत आरफी साहब के सामने बैठते थे रहमतुल्लाह, अब तक उनकी फूंकू निकलती उनके नाम से, वही इलम शिलम चलते हैं, ऐसे डरते अब भी उनके हवाले हैं उनके पास, देख लें किस मुकाम के वो, इनकी सिफारिश है, लेकिन अब भी हवाले जो देते हैं हजरत आरफी के देते हैं, थानी रमसला के हल्फाम से थे, कितने बड़े आदमी हैं, पता है काम यहां से बनना था, यहां काम फिसल गया तो सब खत्म, ये मुफ्ती शुफ्ती कुछ भी काम नहीं आता। अब भी अपने शेख की बात कर, हालांकि वो आलिम नहीं थे, हजरत आरफी आलिम नहीं थे, नहीं आलिम नहीं थे, नहीं खलीफा थे, लेकिन उनके इलम से होता है ना, अल्लाह इलम देता है। एक अजीब आपकी एक बात बता दू, हर आलिम अल्लाह वाला नहीं होता, लेकिन हर अल्लाह वाला आलिम होता है। ये बहुत बड़े इंसान से बात सुनी, मैं आपको बता रहा हूं, हर आलिम अल्लाह वाला नहीं होगा, लेकिन हर अल्लाह वाला जो आलिम होगा वो कहां से सीखता है, ये वो कहां से इल्म सीखता है? सुभान अल्लाह, अल्लाह हया रखता है और उसको खुद इल्म सिखाता है ताकि दुनिया में जाए तो वो इल्म के हिसाब से ही जाए, उसकी गुफ्तगू में इल्म निकलता है, उसके सीने से कुरान निकलता है, सुन्नत निकलती है, हदीसें निकलती हैं, वो कहां से इल्म आ गया? आप उसको जाहिल कहेंगे? वो तो आलू से बढ़ जाते हैं कि उसका तो इल्म ऐसा इल्म हो गया जो मुस्तनद इल्म हो गया, वो इल्म जिसकी झलकियां नबी पाक के, ये तो आपकी शान बयान की गई थी नबी अल उम्मी, कि ये उम्मी का मतलब ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह जाहिल थे, नहीं, पता है कि ये दुनिया में इसका कोई टीचर नहीं था, डायरेक्ट हम इसके टीचर थे, जो अल्लाह के मुस्तनद वली होते हैं बड़े उनको यही अक्स दिया जाता है, देखिए मोहताज ही नहीं होते किसी के, कि कोई कह ही ना सके उसको जी सरफ ना, छोड़ो सरफ ना, सब इंशाल्लाह जो बात करवाऊंगा इससे ऐसी करवाऊंगा कि दुनिया के सीने खुल जाएंगे, उससे ड्रामा नहीं होगा, दीन के तरफ लाने के लिए इल्म दिया जाएगा, उसको शो मारने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना ना ना, शो नहीं कि मैं तफसीर कर रहा हूं जनाब ये देखें हजरत यूसुफ यहां, ना ना, शो निभाने वाला नहीं होगा, उसकी बातों में क्या होगा? जन्नत होगी, जन्नत, दोजख से बचाने वाली बातें होंगी, जन्नत में पहुंचाने वाली बातें होंगी, वो इल्म दिया जाएगा, सुन्नत पे खड़ा कर देने वाली बातें होंगी, दीन का झंडा बुलंद कर देने वाली बातें होंगी, जिंदगियों को दुरानी कर देने वाली बातें होंगी, ये नहीं होगी आज तफसीर हो रही है हजरत यूसुफ साहब की, तफसीर हो रही है जनाब किससे हो रही है, इमाम असलानी ने ये कहा और रूहुल मानी साहब ये फरमाते हैं, ना ना ना, कोई आवाज जात नहीं होती, और डायरेक्ट एक हवाला होता है अल्लाह की नबी ने यह फरमाया, काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हम लोग देखे हैं ऐसे आदमी, आपने देखा है? देख लेंगे इंशाल्लाह, फिरेंगे दुनिया में आएगा ना कोई, तो क्या बात कर रहा था, कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ये देख लें, कैन सी किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच जाना है, बस इसीलिए आप सुन लें कि सबसे बड़ी नेमत ये है, ये भी हदीस के मफहूम है कि जिस शख्स पे मैं मेहरबान होता हूं, सबसे बड़ी नेमत जो देना चाहता हूं उसको किसी अल्लाह वाले के पास भेज देता हूं, मुझे पता है ना सारे करोड़ों दुनिया जिंदगी रखते हैं मेरे सामने आ रहे, मैं वो लम्हा नहीं भूल सकता, उसमें तो मैंने नाद भी लिखी है ना कि सब कुछ मुझसे ले लें, लेकिन वो लम्हा नहीं भूलता जब मैं अपने शेख की सोबत में पहुंचा था, अच्छा मेरे हाथ उन्होंने पकड़ के मुझे कलमा पढ़ाया था, उससे जिंदगी सारी ले लें मेरी आप, बस वो हाथ का पकड़ना हाजिर का जो था ना वही एक मुझे जन्नत का एक आसरा और सहारा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमल नहीं इसके अलावा। ये हदीसें भाई मामूली चीज है, किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच जाना, आप इतने बड़े नबी की मैंने दुआ आपको सुनाई थी, हबली हुक्मन, अल्लाह मुझे दीन दे, दीन कहां से दे, लेकिन सालीन ये किसी का दोस्त बना दे, दोनों जगह काम आते हैं। हाँ तो मैं वाक सुना था कैसे,
अल्लाह कैसे मोहब्बत करता है जब अल्लाह वाले के पास इंसान जाता है, तो वो शख्स जा रहा गांव कहां चले भाई, फरिश्ते ने कहा किधर, अल्लाह तो हर चीज जानते हैं। हम तक इसलिए बातें पहुंचाई ताकि हमें यकीन हो बातों का, अमल में हमें कुवत आए इस चीज को, इसको हम ड्रामा ना समझें इस बातों को। और किधर चला, कैसे फला आदमी के पास, क्यों, वो एक नेक इंसान है, अल्लाह वाला है, तो मैं उसके पास जा रहा हूं ताकि मैं फैजयाब हूं, अपने रास्ते पे लगूं। वाकई इसलिए जा रहे, कोई काम शाम तो नहीं है, कोई तावीज शावीज, कोई पानी शानी, कोई और हिसाब किताब, कोई खत्म शरीफ, कोई ऐसी कोई चीज है, कोई दुआ, कोई बच्ची के लिए दुआ, कोई और शायद भी, चलो मुलाकात भी हो जाएगी, ये काम भी कर लेंगे। कहते ये काम नहीं है, बस काम के लिए जा रहा हूँ। वो क्या काम है, अल्लाह की मोहब्बत लेने जा रहा हूँ, मैंने कुरान पढ़ा है वहां से मिलती है अल्लाह की मोहब्बत, और कहीं से नहीं मिलेगी, बस मोहब्बत लेने जा रहा हूँ। तो उसी वक्त एकदम बदल गया फरिश्ता, कहता सुन फिर अल्लाह क्या कह रहा है, क्या, अल्लाह कहता मैं फरिश्ता हूँ, इंसान नहीं हूँ। ये मुस्लिम की हदीस है जिसकी मैं आपको फन बता रहा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जिस तरह तू उस शख्स से मोहब्बत करता है, तो मैं भी ऐलान करता हूँ कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। होगी मोहब्बत ही नहीं होगी, डायरेक्ट निकल गया ना, सब पार हो गई, सारे रास्ते जितने मैंने आपको बताया सीक्वेंस निकल के सीधा अल्लाह के दरबार में, और अल्लाह से उसने कहलवा लिया कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कहलवाए, हदीस से साबित हुआ नहीं, सारी बातें साबित हो रही हैं हदीस से, अल्लाह खुद कह देता है मैं, वही मुश्किल हुआ उसके लिए नहीं, कुछ भी उसने सब। अब यहां चीज क्या थी, अब आए आखिरी पॉइंट बता रहा हूं आपको, जरा गौर से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी खत्म होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मार खाते हैं, फिर हम आप लोगों को टटोलेंगे। मैंने कहा नहीं, इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं, जहां कमी देखें, कोई नाराजगी नहीं, कोई किसी दुश्मनी नहीं, कोई सब मेरे दोस्त हैं आप, बस बेहतर यह है कि जो बात कहूँ उसको अपनी इस्लाह कर लें, बजाय मेरे पास आने के जी या हम तो नहीं जी हम करते हमने तो किया, नहीं नहीं, नहीं भाई मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का मामला है, मैं तो आपको अल्लाह से मिलाना चाहता हूँ, मेरे पास क्यों आते हो, मुझे क्या दिखाते हो, मुझे किसी ड्रामे की जरूरत नहीं, मैं तो एक नुमाइंदा हूं अपने शेख का। उसने कहा तूने पब्लिक के पैगाम पहुंचाना है, तूने बोल रहा है तो बुलवाता भी वही है मुझे लगता है, तसर्रुफ उन्हीं का चलता है। तो मुझे सफाई देने की या मेरे पास आने की जरूरत नहीं, सफाई देनी है अपने रब को, दो रब को दो उसके साथ। सुन क्या यहां क्या पॉइंट है, सुन लिया, अब मुझे आप ये बताएं हमें क्या चीज चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत, ठीक है ना, मोहब्बत वो कैसी होगी, खालिस, अकीदा पक्का होगा, हिकमत के तीन माने, अकीदा, इलम, अमल, हुक्म जो मैंने बताया ना, ये दीन है ना, क्या है पहले अकीदा, फिर क्या है इलम, फिर क्या है अमल, उसका नाम क्या हो जाएगा, मोहब्बत, सही बात समझ गया ना। तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए हमें चीज चाहिए नहीं चाहिए, तभी मोहब्बत होगी, ठीक है, नबी पाक की मोहब्बत के लिए चीज चाहिए नहीं चाहिए, पक्की, ये नहीं तो क्या नफाक मुनाफकत, कोई मानेगा उसको मोहब्बत, नहीं मानेगा। तीसरी चीज सुन्नत, सुन्नत के लिए भी तीन यही चीज चाहिए नहीं चाहिए, मुकम्मल, कोई मतलब नहीं, मतलब क्या, अल्लाह रसूल, वरना क्या होगा, नफाक मुनाफकत। आखिरी जो है जहां से काम बनना है उससे मोहब्बत कैसी चाहिए, सुभान अल्लाह, उससे मोहब्बत कैसी चाहिए, अल्लाह पक्का अकीदा, पक्का अकीदा, इतना अकीदा, बेशक जाहिल है कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, बड़े बड़े आलिम है, दुनिया अल्लाह वालों से भरी है, इसे हमें कोई सरोकार नहीं, हर आदमी अल्लाह वाला, ठीक हो भैया आए, ठीक है आप बड़े अल्लाह वाले, आप भी बड़े अल्लाह वाले, लेकिन अकीदा किससे, जहां से आपको कुछ मिलता है। मिसाल, एक बहुत बड़ा स्टोर है, बड़ा पैकिंग, तीन चार मंजिल स्टोर है, बहुत काम हो रहा है, फला हो रहा है, आपको एक दवा चाहिए, आप काउंटर पे जाते हैं, बड़ा स्टोर है कि भाई जरा ये दवा देना, वो आता है, नहीं ये दवा हमारे पास नहीं जना, इतना बड़ा स्टोर है तुम्हारा, हम तो बहुत तारीफ सुन के आए थे, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल था, देखा तो एक कतरा खून निकला, यहां से ये एक दवाई नहीं मिल सकी, तारीफी तो बहुत सुनी थी, यहां अकेले की बात कर रहा हूं आपको, कुछ कम जर्फ लोग क्या हैं, इन चीजों पे मरते हैं, इन चीजों पर मरते हैं, और उनको जिंदगी भर कुछ नहीं मिलता, क्यों, उनमें नफाक है, मुनाफकत है, सच्चाई नहीं है। ये मैं सीधी बातें आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ लें इस चीज को, क्योंकि अगर यहां से हम फिसल गए, हमेशा जो पहली सीढ़ी नहीं चल सका वो कभी छत पर नहीं चढ़ सकता, चढ़ जाता है
कभी नहीं चढ़ेगा। जो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सका वो आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं देखा आपने को पहुंचो। तो पहली सीढ़ी इतनी जबरदस्त है कि उसके पक्के स्टेप चलाना आने चाहिए। तो पहली सीढ़ी यहां कौन सी है? अल्लाह वाले की सोहबत है। वहां इतना मजबूत अकीदा होना चाहिए। ऐसे जिसे मैं बताता हूं आपको, काउंटर पे गया, बड़ा शोर सुनते थे आप, ये है वहां फलाए, और एक दवा के पास से नहीं निकली। जाते जाते एक छोटी दुकान थी, ला बत्ती जल रही थी, बेचारा को बैठा था मेरे जैसा, चार पांच दवाएं किस बोतलें रखी थी। अरे भाई, कहते यार अभी यहां से दो तीन दफा गुजरे हो, आप कैसे आए हो? कहता है वहां से दवा मिलेंगे, दवा दिखाओ ना कौन सी है। और छोटा स्टोर वाला कह रहा है, मैं जाते वाते तुझे देखा, बड़ा परेशान हाल है, क्या बात है? कहते यार इस पूरे स्टोर पे गया, उस पूरे स्टोर पे गया, कहीं नहीं मिल रही। कहता यहां से तू जा रहा था तो कौन सी दवा मुझे तो दिखा। कहते ये यार दवा है, खैर तेरे पास कहाँ होगी? कहते दिखा दिए। कहते एक सेकंड है, वो गया और शीशे लेकर उसको दे दी। अब उसके लिए कौन से दवाखाना अच्छा है, किसको याद कर, सेहत कहां से मिली? जिस जगह से आपको ईमान मिल रहा है, ऐकान मिल रहा है, कुरान मिल रहा है, अल्लाह मिल रहा है, मुझे बताएं उसके मुकाम कितने बड़ा कोई आदमी आ जाए आपके लिए, वो अफसल है या वो अफसल है? जरा सोचने जा। इसका पता अगर आप कहते हैं जी नहीं जी ये बड़ा वो है जनाब, ये आदमी तो बहुत बड़ा है जी फला, अब मैं नाम लूँ फतवे लग जाएंगे ना, उसमें ये भी, उसमें ये भी, उसमें ये भी है, ये अकीदा है नहीं, इसके पता है कि ये खत्म हो गया, फेल है, इसको सब कुछ बर्बाद हो गया, था ही नहीं अकीदा। क्योंकि देना किसने है? लगेगा कि यहां ही मुनाफिक है, तो सुनो तो भाई क्या आशिक होगा, उससे आगे कैसे रहेगा? वो मुझ तक पहुंचता है, मुनाफिक आएगा मेरे तक? मैंने तो पहली सीढ़ी पे इसको अकीदा इतना पक्का कर देना था कि वो पुख्ता होता कि जो कुछ भी मिला है मुझे इस शख्स से मिला है, जिसकी खिदमत का सलाम ये दे रहा हूं कि अगर ऐसे इंसान की उसने इतनी खिदमत भी कर दी कि एक गिलास पानी पिलाया तो मैं इस खिदमत के उसको आबे कौसर से पानी पिलाऊंगा। और हकीकत बात है, इतनी इतनी खिदमत को जमा करेगा अल्लाह वालों की कि मैंने ये काम किया था, मैंने फला कि जिस जिसने तेरा को काम किया खिदमत की सबको शिफात कर मैं इनको जन्नत में पहुंचाऊंगा। क्योंकि बैठा उसने अल्लाह से, उसने एक काम किया सर, क्या? कोई दुनिया का लालच नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई लेना नहीं, एक लालच था बस बंदे को पकड़ूं, अपने रब से मिला दूं। ऐसे इंसान के साथ इंसान मुनाफिक नफाक करे सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें टटोलना चाहिए ये बात कि जब हम किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, सबसे बड़ी चीज क्या है अल्लाह को पाने के लिए? अकीदा। कोई चीज है जिसने, हमारे बुजुर्गान दीन जी कहते हैं कि सब बुजुर्ग सच्चे, सब अपने अपने मुकाम पे ऊंचे हमें कोई, लेकिन अपना बुजुर्ग अपना है कि जहां से आपको मिला स्टोर वो ही आपका है, बस किस्सा बस माजरत, हम कुछ नहीं कर सकते ये, हम भाई ये वो कहते हैं माजरत, हम तो मसरूफ है, हमारे जनाब छोटी सी मजलिस से वो होती है, यहाँ देखो यार इतने हजारों आदमी आए तुम जा रहे हो बैठो, यार छोटी सी मजलिस है लेकिन छोटा स्टोर है, देता बहुत कुछ अलग, मुझे तो वहीं से मिला है, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ? पता है कितना बेवफा इंसान होगा वो कि जो ये सोच के कितना लालची बनेगा, उन्हें कभी लालची बेवफा नफाक रखने वाला धोखा देने वाला अल्लाह तक पहुंच सकता है आदमी, मुझे बताएं, सोच कभी शैतान नफ्स इस धोखे में डाले और किसी, आप जब इंसान एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, कभी भी आपको शैतान नहीं कहेगा नमाज ना पढ़ो, कभी ऐसे नहीं होगा आपको तहज्जुद में ना उठाए, तहज्जुद से रोके, कभी उसके टैक्स हर स्टेज पे आके, हर उस स्टेज पे आके उसको वड़गलाता है, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे गिराना होता है, उसने तो टॉप देखे ना, वो कहता है चलने दो ऊपर, आप ये देख रहे हैं कि जो दुश्मन से होता है ना वो कहता है ऊंचा जाने दो, क्योंकि जहां से फेंकूंगा तक हड्डी भी ना बचे इसकी, एक इंसान को मानना है वो पीछे पीछे चल रहा है, अभी तीसरे मजे कहता है नहीं तीसरे डालूंगा शायद बच जाए, इसको टॉप से गिराऊंगा ऊपर जाएगा ना फिर दूंगा धक्का ताकि हड्डी भी ना बचे। तो शैतान जी कहता है मैं इसको ऐसी जगह से गिराऊंगा जब ये कुर्ब पहुंच चुका होगा ना लगे सब इस फितने बड़ा होगा ना तो वहां से गिराऊंगा ताकि हड्डी भी ना इसकी बचे। इसलिए हजरत फरमाते थे कि मौत तक इंसान को अपने शेख की जरूरत होती है, नफ्स और शैतान उसको नहीं छोड़ते हैं, इतना खतरनाक रास्ता है। ये जो बातें मैंने आपकी की हैं ये अल्लाह तक पहुंचने के रास्ता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो इस वाजिब या फर्ज कुछ हो, क्योंकि आप लोग आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको एक इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, अब इस वक्त को ज़ाया ना करें।
जो जो कमी में बताता जाया करूँ उसके पूरे पूरी करें। अकीदा सच्चा अपने शेख से, तीन चीज़ें पक्की होनी चाहिए, याद रखें तीन चार चीज़ें जो अपने शेख से, जो सुने उस पर अमल, पहली बात याद है, सुनना और अमल करना, वो सादिक होगा आदमी, फिर नुकसान नहीं देखें कुछ नहीं, सुना और अमल। इसकी चीज़ की निशानदेही कर रहा है, इसका अकीदा पक्का है, अभी बात का वो पता है कि अगर मैंने इसी बात नहीं मानी, मिसाल के तौर पर नबी पाक तुम आप अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए और आपसे कहें तुम ये काम नहीं करना, उसके बाद करेंगे वो काम, सवाल सवाल ही पैदा था कि हम नबी पाक मुझे कह गए तो आपके सामने खड़े हो कह रहे हैं तुम ये काम नहीं करना, आपने मैं तो खुआ था न यार सुसम, मैं सवाल ही पाई काम को और जिंदगी इंसान कोशिश नहीं करता मुझे उनको सुनाए, देखिए है ही नहीं। इसी तरह शेख का जो अकीदा इतना पक्का हो कि मेरे शेख ने यह बात की है, अगर मैंने किया तो मैं बर्बाद हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, इल्म अमल, वरना वो क्या है, अगर सुनते हैं और नहीं करता वो क्या है, पक्का मुनाफिक, दयाकार, धोखेबाज, कितने ड्रामे कर ले, हाथ बांध के खड़ो जाए, ये कर ले वो करे, ड्रामे दरवाजे समझो, ये बकवास बकवास कर रहा है, इसलिए मैं लोगों को मना करता हूँ कि लोगों को धोखा ना दो, सच्चे हो गए तो अल्लाह तुम्हें खुद चुन लेगा, अपनी कानों में आवाज सुनोगे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तआला मुझसे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं, ना मुझे इस चीज को शौक है, ना मुझे ना मैं ये चाहता हूँ मेरी चमचागिरी करो, मैं तो खुद अपनी मस्ती में फंसता हूँ, मस्ती में फिरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं वैसे शेख हूँ, गले में फिरता हूँ, लोगों को पकड़ता हूँ, किसी गले में लाता हूँ, कोने में खड़ा हो जाना, हाथ छुपा खड़ा होना, देखना ये करना, ये ड्रामे आने चलते, जो ऐसा करते हैं ना वो पक्का चोर है क्योंकि वो इस तरीके अपना शो करना चाह रहे हैं कि मेरे ऐड छुप जाए मेरी बातें, क्योंकि आप सब मेरे मुरीद हैं, बेटों की तरह मैं सही सही बातें कर रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए इस बात को, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, सीधे साधे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, कहते हैं हमारा रहबर है, इससे बेहतर ये है कि मुझे खुश रखा है, क्या उधर सुनो मैं देखूँ उस बातों में तुम सुबह अमल कर रहे हो, दिल खुश हो जाए, देखें कैसे दुआएं निकलती हैं और किस तरह तरक्की इंसान की होती है। नंबर एक अकीदा पक्का, जो कहा जाए उस पर अमल, नंबर तीन क्या, हस्ब तौफीक खिदमत और इताअत, ये हजरत फरमाए चार सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, ये चारों मैं मुसल्ले में चारों से किस शेख को कोई फायदा नहीं, तुम्हारे अकीदे से मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा नहीं बता, शेख को क्या फायदा, तुम्हारी खिदमत से मुझे क्या फायदा, क्या खिदमत कर सकते, वो तो अल्लाह वालों को तो अल्लाह ताला हर चीज़ से बेनियाज कर देता है, उनको खिदमत की जरूरत, वो कोई आपकी कोई चीज़ अल्लाह कबूल भी करना तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि उसने आपकी किसी चीज़ को कबूल कर लिया है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आप, अल्लाह अल्लाह वालों को किसी चीज़ के ना लालच, अल्लाह वाला बनता ही हो जिसको दुनिया का लालच ही नहीं होता, उसको शौक होगा किस चीज़ का, अगर कर लिया उसने और किस्मत वालों की चीज़ फिर हदिया उसने कबूल कर लिया तो समझो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदिया का अजर तो कौन देगा इसका, क्योंकि आप जो चीज़ दे रहे हैं उसको किस लिए दे रहे हैं, अल्लाह के लिए दे रहे हैं कि मैं अल्लाह का अल्लाह बनता है, हमें इससे नफा फायदा पहुँच रहा है, मैं इसको ये चीज़ दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने अगर इनकार कर दिया तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है उस इंसान की कि भाई अल्लाह उस इंसान से राजी नहीं, इसने इनकार क्यों किया मेरे हदीये का, फिर उसी हदीये को जो आप मुझे देना किसी को देना चाहते हैं, किसी शेख को देना चाहते हैं तो क्या होगा, फिर वही जो है ना गैर शरीय आदमी फेंकेंगे उसको, कहीं और जगह जा रहा होगा, कितना फर्क हो जाता है उससे मुझे आपका, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता है इंसान का कि कोई अल्लाह वालों को आपको चीज़ दें इनकार कर दे, कोई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये खालिस रास्ते हैं भाई, ना अल्लाह वालों को की खिदमत की जरूरत है, ना उनको जूते उठाने की जरूरत है, ना उनको दावतों की जरूरत है, ना उनको पैसों की जरूरत है, ना कुछ नहीं, उनके शौक ही होता है, अब देखें मैं कितनी देर तक बोला हूँ आपसे, बोला हूँ ना, ठीक है ना, जो इतना मैंने जोर लगाया तो मैं मुझे इसके उसके रिवर्स में मुझे क्या चाहिए, क्या दे सकते हैं हम, को पैसे देंगे दावते कुछ भी ना करना देंगे, मैं इतना क्यों बोला, किस लालच ने मुझे ये इतना बुलवाया, कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने पी लिया, मिसालें दी, सब कुछ दी, क्यों किस लिए, मकसद एक था अल्लाह राजी हो जाए, आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, आप मेरी दुआ कर देंगे अल्लाह ताला इस शख्स ने से आज हमारे लिए मेहनत की है, हमें भी सादिक बनाता है, हम मुनाफिक के ना रहे हैं, और जिसने मेहनत की है कि अल्लाह इसकी दर्जी बंद करा, इसको भी तू जन्नत की हवा दिखा, तो दोज़ख से बचा इसको, कितनी अच्छी बात सही है, तो लेकिन असूल क्या है, कभी अकीदा हो, खिदमत हो, इताअत हो, अदब हो, अदब बहुत बड़ी चीज है, अदब नहीं होता लोगों में,
अदब होना चाहिए, अदब, फजूल बात करना, पत्नी अदब सीखना है तो वही सहाबा कलाम की जिंदगी और नबी सब चीज दी है हमें सुन्नत ने, तो सब चीज सिखाई है, एवरीथिंग। अदब बहुत जरूरी चीज है इस रास्ते में, अदब कहां छोड़ना है, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जब आपने किसी को शेख बना लिया, आप बेशक उस इलम में कितने बुलंद हैं, कुरान में कितने बुलंद हैं, और अपने किसी और फनून में बहुत ही बुलंद हैं, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल कमतर समझें उसके सामने अपने आप, टोपी उतार के बैठे, हमेशा वो शख्स कामयाब होता है। ये नहीं कि ऐसे तो आते ही नहीं, मुझको पता ही इलम ही नहीं है, हम तो ऐसे मजिए, बिल्कुल ना ऐसा करें। या फिर अगर ये बात है, बिल्कुल सही है, अगर ये बात है उससे बैठ ना हो, आपको फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, वहां तक कब्र चल ही नहीं सकता। वो कमजोर आदमी है, आपने हम तो बहुत बॉडी बिल्डर हैं, ऐसे चौड़ों के बैठे हैं, हाँ जी क्या बात है जनाब, हम तो ना ना बिल्कुल हर चीज में उसको समझेंगे, सब कुछ ये है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा इलम रखता है, बेशक कितने बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, कहते सवाल ही पता है, उसके सामने मसले बयान करना, उसके सामने कुरान की रिपीट करना, आते बताना जनाब ये है, होते हैं ना बहुत बड़े लोग आते हैं, तो फिर उसमें क्या करते हैं, कहते हैं माशाल्लाह आपने हमारे इलम में बड़ा इजाफा किया जी, सुभानअल्लाह बहुत बड़ी मेहरबानी, उसको हवा देके छुट्टी करा देते हैं, बाज आते हैं कि हमें आते कुछ नहीं आते, ये तो पहले दफा सुने, ना कोई तनकीद ना कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही बातें बता रहा हूँ, किसकी, मुफ्ती तकी की बातें बता रहा हूँ आपको, रशीदुद्दीन मुफ्ती आजम ऑफ पाकिस्तान, इनके जो वालिद थे देवबंद के मुफ्ती आजम थे, उसके फताह के अंदर कई साल रहे, उनकी घराने की बात बताता हूँ, क्योंकि उनके घराने जो शेख था वो इलम आलिम नहीं थे, हज़रत आरफी रहमतुल्लाह अलैह, वो आलिम नहीं थे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मैं तो उनके पास जाता था, मेरी सोबत उनके साथ, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, छोटा सा क्लिनिक था, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तरबियत इनकी करते थे, जिनको आप मुफ्ती आजम कहते हैं आज, तो की उनके वालिद क्या थे, वो उनके वालिद खुद बहुत बड़े शेख थे, लेकिन उनका नहीं, उनके पास जो क्या उनको गरूर तोड़ना था, कि ये ना समझे कि इतने बड़े मुफ्ती आजम के वो बेटे हैं और इतने बड़े मुफ्ती हैं, तो उससे उनके किनके पास भेजा, जिनके पास इलम नहीं था, वहां से वो अल्लाह वाले बने दोनों भाई। ये हमें इन बातों को समझना चाहिए कि वहां चीजें नहीं चलती, अगर खालिस अल्लाह को पाना है तो बिल्कुल मुर्दा बन के, जैसा मुर्दा होते हैं ना आदमी, चले जाओ, क्योंकि अल्लाह को पाने आए हैं हम तो भाई, झाड़ू देने पड़े झाड़ू देंगे, बर्तन साफ करने में बर्तन साफ करेंगे, हजरत के अगर जूते साफ करने पड़े जूते साफ करेंगे, किचन साफ करना पड़ा किचन के, जो भी हमें गंद से गंद काम करने, क्यों पाना किसको है, देखो भी कैसे मिलता है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरत को तौफीक, और में से कोई गलती हुई हो, किसी भाई को तकलीफ हो दिल में, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी, और मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मेरी भी सलाह फरमाए, मेरे हजरत तो नहीं है, आप ही लोग हैं जिनकी मस्जिद में बैठ के मैं सीखता हूँ, बड़े बड़े अच्छे इंसान आप हैं, आपसे सीखता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जूतियों से सीखता हूँ मैं, मेरे तो हजरत नहीं है ना, तो मैं भी आपको मोहसिन ममनून हूँ आप हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप मेरी बातों को आराम से सुनते हैं, पहले दुआ ये करता हूँ कि जो सुने उस पर अमल करें। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।